ओसवाल रियलिटी से श्री विक्की ओसवाल जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम आमंत्रित करते हैं विक्की ओसवाल जी, कृपया मंच पर पधारे, फैमिली के साथ मंच पर पधारे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष शाह और आदित्य ठाकरे जी से उनका स्वागत करें। जरा जोरदार तालियां आपकी तरफ से हो जाए प्लीज। जो एक विशेष सहयोगी स्पॉन्सर्स के रूप में हमारे बीच रहे हैं श्री राकेश जी संग भी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और पुनः एक बार आदित्य बीच मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक शाह जी से प्लीज। किसी समाज के प्रोग्राम को जाओ तो पॉलिटिकली एक मैसेज जाता है, लेकिन मैं उस मैसेज के लिए आया नहीं हूं, क्योंकि आजकल के जमाने में तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे भी मैसेज जाता है। मैं खास इसलिए आया हूं क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया है वो जीतो है और जीतो के लिए मैं आज आया हूं। आप सभी को तो पता होगा कि जीतो और हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। मुझे याद है कई साल पहले जब जीतो एस्टैब्लिश हुआ था तब इनॉग्रल फंक्शन को उद्धव जी को आपने बुलाया था, और फिर जीतो का एक जो काम है वो तो है ही, और फिर यहां सब जो मान्यवर बैठे हुए हैं किस किस का नाम लूं मैं, ये तो सब परिवार ही है। और जब भी मुझे राकेश जी या राकेश अंकल जी या अंकल का वो भी उसमें दुविधा है, लेकिन बिल्कुल अगर फॉर्मेलिटी के तौर पे हो तो राकेश जी ने फोन किया, तब उन्होंने इनविटेशन की रिक्वेस्ट नहीं दी, उन्होंने हक से कहा कि आपको आना ही है। कल रात को भी फोन आया कि आपको सुबह 10 बजे आना है या नहीं आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये हक की बात है तो मैं ना नहीं कह सकता। बिल्कुल कहा जाता है कि समाज की जब ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे जीतो है, धर्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है क्योंकि आपका जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, साधु मुनि या जो कोई धर्म को एक प्रभाव देते हैं वो लोग तो देती है, लेकिन मैं खास अभिनंदन करने आया हूँ कि जीतो ने जो समाज में समाज को आगे लेके जाने का काम किया है वो भी काफी बड़ा है, और इसके आपका अभिनंदन करने आया हूँ। अभी मैंने सुना था कि NSEI के मेंबर जीतो में आगे है, लेकिन थोड़ा उल्टा भी होना चाहिए, NSEI ने भी मेंबरशिप थोड़ी जीतो को दे तो अच्छा होगा लगता है। बिल्कुल ना, अच्छा डिस्काउंट पे नहीं, मैं तो फ्री बोल रहा था, आप क्यों पैसे देने में लगे हो। लेकिन मुझे काफी आनंद हो रहा है कि आज आपने स्पोर्ट्स डे को एक इतना इम्पोर्टेंस दिया है, महत्व दिया है, क्योंकि मैं मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स ये एक अहम चीज़ है हर एक की जिंदगी में। टीम स्पोर्ट्स हो, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, नाम तो जीतो है लेकिन जीतना हारना तो ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है, और दोनों को कैसे साथ में तुला जाए ये अपने को स्पोर्ट्स सिखाता है। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप अगर युवाओं को जोड़ना चाहते हो तो स्पोर्ट्स से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। मैंने छुपे इसमें सुना है कि जीतो का मैरिज ब्यूरो भी है युवाओं को जोड़ने के लिए, चुप रहे सब लोग का, लेकिन उनको मैं स्पोर्ट्स का भी आमंत्रण देता हूं। राकेश जी और अन्य सभी लोग, एक तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि मैं आपके जब भी अभिनंदन करता चाहता हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर स्पोर्ट्स के मामले में कोई भी मेरे ओर से मदद आपको लगे तो आप हक से मुझे कहिए, मैं भाग के आपके लिए आ जाऊंगा किसी भी के लिए। स्पोर्ट्स और मेरा नाता तो पेपर में कभी कभी आता रहता है। मुझे याद है 5 साल पहले एक हॉकी का आंदोलन हमने किया था, मुंबई यूनिवर्सिटी की हॉकी की टीम थी, घूस दी जा रही थी और लोग घुस रहे थे, लेकिन इसी में भी खेलना, हमने किसी ने कहा खेलना और कूदना, खेलना कहाँ है, किसको खेलना है, किसमें कूदना है, ये हमें जानना चाहिए। मुझे ये गर्व की बात है
कि तब भी युवा सेना ने जब आंदोलन किया था बराबर की टीम चुनी गई और 37 इयर्स के बाद वो टीम जो मेरिट पे चुनी गई वो मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं, जो ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट होती है वो 37 इयर्स के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी की टीम जीती थी। वैसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी में आर्चरी का अगर काम हो, कराटे हो, कबड्डी हो, इसे हमने तो सपोर्ट किया ही है, लेकिन मैं मुंबई फुटबॉल, मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के नाते, चेयरमैन के नाते, हमने अभी जो सरकार के साथ 4 साल से सलाह मशवरा चल रहा था कि ग्राउंड दिया जाए ना दिया जाए, दिया जाए ना दिया जाए, वैसे एक ग्राउंड रेक्लेमेशन में पाया है फुटबॉल के लिए और ये सभी गर्ल्स बॉयज फुटबॉल टीम्स के लिए खुला जाएगा 1 साल में। वैसे ही मुंबई में 3 और ग्राउंड्स में देख रहा हूँ फुटबॉल के लिए, कमलेश जी तो है ही, मैं अभी उनको तंग कर रहा था कि आपकी टेबल टेनिस की टूर्नामेंट भी मुझे मुंबई में चाहिए, वर्ल्ड क्लास चाहिए, आपने पिछले साल एनएससीआई मिली थी, मैं आया था यहाँ, ज्यादा वक्त आपको लूंगा नहीं क्योंकि अभी ये स्पोर्ट्स डे और आईपीएल का टाइमिंग बहुत खराब है, बहुत धूप चल रही है, आईपीएल भी ऐसी धूप में चलती है तो शायद इतनी फेमस हो, लेकिन आपका वचन मुझे चाहिए कि इस साल आपकी फाइनल जहां हो आप लीजिए, जहां लेना है आपको लीजिए देश भर में, लेकिन अगले साल की फाइनल एक तो ये स्पोर्ट्स और बड़े पैमाने पे आप करेंगे, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी ये सब आप लेंगे उसमें, लेकिन अगले साल की फाइनल हमारे शाहजी राजे भोसले क्रीड़ा संकुल अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो, ये आपसे वचन चाहिए, ये वचन पक्का? तो चलो ये वचन तो आपने दिया है, तो ये 2-3 चीजें तो है ही, लेकिन एक मन में और भी चीज आई, आपने देखा होगा कि हम जब स्पोर्ट्स की मशाल लहराते थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये तो बात पक्की है कि अभी हम दोनों के बीच में आग कोई लगा भी नहीं सकता, लगे तो भी नहीं लगा सकते। तो मैं आपको सिर्फ बहुत बहुत अभिनंदन करने आया हूँ और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे सौभाग्य के मान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। Thank you so much. Not as a youth icon, not as a anything else, but a member of Jito family. जोरदार तालियां हो जाए, बहुत खूबसूरत। और the best line, आदित्य जी जब आप बोल रहे थे कि इनका मैरिज ब्यूरो भी है, 3-4 लोग तो खड़े ही हो गए थे वहां से, बोला हमारी तरफ से पक्का। तो चलिए आज की इस खूबसूरत सुबह को हम एक छोटा सा विराम देते हैं। मैं आइकॉन दादा मनीष जी आनंद पंकज पंकज चीटो मुंबई जोन की ये टी शर्ट इधर है मीडिया Three cheers for Jito Sports! Hip hip! Hip hip! Hip hip! तो चलिए अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर मनीष शाह, जोन सेक्रेटरी जीटो, प्लीज सर। मुंबई जोन की ओर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Heartfelt thanks to our chief guest Aditya Thackeray ji, guest of honor Kamlesh ji, Dhruv ji, Rahul ji, हमारे सारे sponsors Sanvi Group, Oswal Group, Sugal and Damani Group, NSCI के सारे पदाधिकार, Ganesh Varshan ji के bright outdoor shooting और उन सब के ऊपर हमारी जीतो गेम कमिटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जीतो गेम कमिटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, पिछले 20 दिनों से लगातार